न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनिस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनिस न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जुलाई को वांगराल पहुंचेंगे पीएम मोदी, लगभग 6100 करोड़ की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। शनिवार को वांगराल में लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, इसकी जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने से पहले मोदी जिले के प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर जाएंगे और एक सामाजिक बैठक को भी संबोधित करेंगे। इस साल चुनावी राज्य में मोदी की यह तीसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने जनवरी और अप्रैल में तेलंगाना का दौरा किया था। मंत्री की किशन रेड्डी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नवनियुक्त राज्य भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की व्यवस्था की देखरेख की के लिए आज वांगराल के लिए रवाना हुए हैं। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली रेलवे वैगन नवनिर्माण इकाई कांजीपेट की आधारशिला भी रखेंगे। आधुनिक वन निर्माण इकाई की वैगन निर्माता क्षमता भी वृद्धि होगी। एक आधारिक विज्ञापित पहले कहा गया था कि इससे स्थानीय रोजगार सूजन और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में मदद मिलेगी। इस बीच सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए बहुत से मंत्रीगण भी पहुंचेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान एससी का मोदी उपनाम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि केस। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इस फैसले का मतलब यह है कि सत्र न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को सुनाई गई 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि इसका सुस्थापित सिद्धांत है कि निचली अदालत के दोषी सिद्धि के फैसले पर रोकी गई नियम नहीं है, बल्कि यह एक अपवाद है जिसका सहारा दुर्लभ मामलों में लिया जाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्वेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत राहुल गांधी को दोषी ठहराए तो 2 साल की सजा सुनाई थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोर्ट ने खारिज की दिल्ली पुलिस की दलील, सिसोदिया को फिजिकल पेश करने को कहा। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पुलिस को निर्देश दिया कि कथित एक्सरसाइज पॉलिसी केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया को अगली सुनवाई पर फिजिकली पेश किया जाए। विशेष जज एमके नागपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया को पेश करने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें फिजिकली कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। जज ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि कोर्ट में कोई भी सार्वजनिक शख्स या आम आदमी पार्टी के समर्थक को आने की इजाजत नहीं होगी। अब आरोपी मनीष सिसोदिया को कोर्ट के समक्ष फिजिकली पेश किया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंक ट्विटर हाइकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों को ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही है एमएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।